उत्तराखंड में कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। बागेश्वर जिले में कोरोना से संक्रमित एक 18 साल के युवक की हल्द्वानी सुशीला तिवारी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं जिले में एक बार फिर से कोरोना पॉजिटिव मरीज आने से संख्या बढ़कर 47 हो गई है। हालांकि अब तक 33 लोग इलाज के बाद घर लौट चुके हैं। जिला अस्पताल में भर्ती 9 मरीजों का उपचार चल रहा है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि अब जिले में कुल 9 सक्रिय पॉजिटिव लोगों का इलाज चल रहा है। उन्होंने बताया कि 17 जून को जारी हुई हेल्थ रिपोर्ट में 5 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है और 2 पॉजिटिव की ट्रेवल हिस्ट्री दिल्ली की है, जबकि 2 पॉजिटिव पाए गए लोग मुंबई से और 1 गुरुग्राम हरियाणा से प्रवासी हैं। उन्होंने बताया कि जिले में सभी 9 मरीजों का कोविड अस्पताल बागेश्वर में इलाज किया जा रहा है। जिले में अब तक 907 सैंपलिंग हो चुकी है और 109 सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। अंतर्गत एक जो है पहली बार कल शाम को मालूम पड़ा कि एक कैजुअलिटी हो गई है और 18 साल का लड़का था वो, और वो जो है करीब 12 तारीख को यहाँ से उनको रेफर किया गया था हल्द्वानी सुशीला मेडिकल में, और अब तक कुल जो है 907 सैंपलिंग की जा चुकी है और कल हमने 109 सैंपल भेजे हैं। और इस समय वर्तमान में केवल 9 लोग जो हैं अभी हमारे जिला अस्पताल में भर्ती हैं। कोरोना के मामले लगातार जिले में बढ़ते जा रहे हैं। कल ही जो 5 मामले हैं, नए मामले यहाँ पर आए हुए हैं और एक डेथ की भी जो बात आ रही है वो यहाँ पर आ चुकी है, और इससे स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन का महकमा जो पूरा है वो हड़कंप मच गया है और लगातार सतर्कता बनाए रखने की बात भी कर रहा है और अपने विभाग को भी चेतावनी दे रहा है। लगातार जो क्वारंटाइन सेंटर हैं और जो प्रवासी आ रहे हैं उनकी जो जांच है वो और बड़े स्तर पे करने की बात चली, और जो सैंपलिंग है कल जो सैंपलिंग गई है वो 109 सैंपलिंग भेजी गई है, जो बताती है स्वास्थ्य विभाग के हड़कंप को और उसके तैयारी को बताता है कि वो काफ़ी सतर्क हो चुका है और इसको दूर करने के उपाय भी कर रहा है। बागेश्वर से जगदीश उपाध्याय।